स्टूडेंट्स वेलकम ऑन आरसीए ऑनलाइन पाठशाला। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है और वो इस टाइप में दिया है। और बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की अकॉर्डिंग। तो देखिए, अब तक आपको क्या मिलता था, जैसे 2x + 3y + 10z = 4 इस टाइप में मिल रहा था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, upon x upon y upon z। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। लेट आप एक काम करो, 1 upon x को क्या बोल दो a, और 1 upon y को क्या बोल दो b, और 1 upon z को c बोल दो। उसके बाद देखो क्या आएगा, 2a + 3b + 10c = 4। उसके बाद देखिए 4a - 6b + 5c = 1, और यहां पे क्या आएगा 6a + 9b - 20c = 2, और यहां पे 2 आ गया। अब आपने यही किया है, जहां पर 1 upon x था उसको a बोल दिया, 1 upon y था उसको b, और 1 upon z था उसको c बोल दिया। तो ये आपके पास क्या बना, 2a + 3b + 10c = 4। ऐसे ही 4a - 6b + 5c = 1, और 6a + 9b - 20c = 2। अब देखिए क्या करना है। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला है कि किससे सोल्व करना है, और जब नहीं बोला जाए तो आप क्रेमर रूल भी यूज कर सकते हो और मैट्रिक्स मेथड भी यूज कर सकते हो। तो यहां बता दूं कि जो क्वेश्चन करो उसमें आप अगर मैट्रिक्स मेथड यूज ना करके और क्रेमर रूल यूज करते हो तो वो आपके लिए आसान रहेगा। तो देखिए नाउ अब क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा। अब देखो 2, 3, 10, 4 - 6, 5, उसके बाद 6, 9 और - 20 आ गया, 6, 9 और - 20। आप इसे सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद आएगा ये 1200। देखिए मैं आपको ये सोल्व करके नहीं बता रहा, अगर मैं सोल्व करूंगा बार बार इन चीजों को तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, और ये आपको आता है, और ये मैं कंफर्म हूं कि यहां पे 1200 ही आने वाला है। और देखिए ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ध्यान देना ये लाइन वही है जो हर बार लिखवाता हूं मैं, सिंस डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या बोलोगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको यहां तक मेरे अनुसार साइन पर आ जाना चाहिए, और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है, डेल्टा 1 फाइंड आउट करना है, फिर डेल्टा 2 और फिर डेल्टा 3। तो देखिए आप इसे नंबर 1 भी डाल दो, आपने इसको नंबर 1 भी आपको मेंशन कर देना है। सबसे पहले ये था, आपने इसको अज्यूम किया एबीसी, ये बना, ये बनने के बाद आपने डेल्टा फाइंड आउट किया, डेल्टा आपने क्या आया 1200 आया, और वो क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है। उसके बाद में आपने डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देयरफॉर या एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है केवल और केवल एक। उसके बाद आपको डेल्टा 1 फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा 1 देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब उसके बाद आपको आगे क्या करेंगे, डेल्टा 1 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा 1 इक्वल टू देखिए 4, 1, 2, 3 - 6 और 9, 10, 5 - 2 - 20। इसे आप जब सोल्व करोगे तो ये आपको 600 मिलेगा। कंप्लीट,
उसके बाद अभी मैं सोल्व करके नहीं बता रहा, आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना ना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए इस पर बेस्ड। उसके बाद देखिए अब अगला क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा टू। अब डेल्टा टू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए डेल्टा टू इक्वल टू क्या होगा, ये तो आपको लिखना ही है 2, 4, 6 और जो ये है इसकी जगह क्या आएगा 4, 1, 2 और क्या आएगा 10, 5 और -20 और जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपको आएगा 400, ये आपका 400 आएगा। ऐसे ही आपको डेल्टा 3 फाइंड आउट करना है और डेल्टा 3 क्या होगा 2, 4, 6 उसके बाद क्या आएगा 3 -6, 9 और क्या होगा डेल्टा 3 में 4, 1, 2। देखो ये वाला मैंने यहां पे रख दिया, अब जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 2, 4, 0। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे देखिए, फ्रॉम क्रेमर रूल वी गेट एक्स इक्वल टू क्या होगा डेल्टा 1/डेल्टा, y इक्वल टू क्या होगा डेल्टा 2/डेल्टा और z इक्वल टू क्या होगा डेल्टा 3/डेल्टा। अब उसके बाद देखो डेल्टा 1 आपके पास क्या था 600 और ये क्या था 1200 और ये क्या आ गया यहां से 1/2, 1/2 आ गया। ऐसे देखो y इक्वल टू क्या था 400 और ये क्या है तो y इक्वल टू क्या आ गया 1/3, ये y नहीं है ये a b c है क्योंकि क्वेश्चन a b c में है ना इसलिए। और उसके बाद और यहां पे क्या होगा 2, 4, 0/1, 2, 0, 0 ये क्या आ गया 1/5। इसका मतलब आपने ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी है 1/2, 1/3 और 1/5। अब कैसे क्वेश्चन होगा आगे देखिए, अब उसके बाद अब क्वेश्चन फ्रॉम 1/x इक्वल टू क्या था a और 1/y इक्वल टू क्या था b और 1/z इक्वल टू क्या था c। अब उसके बाद देखो ध्यान देना a इक्वल टू x इक्वल टू 1/a, y इक्वल टू 1/b और z इक्वल टू 1/c। अब x इक्वल टू 1/a का वैल्यू बोलो क्या है 1/2 है तो यहां पर 1/2 करो तो यहां से क्या है x इक्वल टू 2 आ गया कंप्लीट। उसके बाद y इक्वल टू 1/ और b का वैल्यू क्या है 1/3 है तो क्या होगा y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू क्या है 1/ और c का वैल्यू क्या है 1/5 तो क्या होगा z इक्वल टू 5 और यही आपके क्या आ गए आंसर्स आ गए। तो मैं आप एक बात सुनिएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट में, केवल और केवल इस क्वेश्चन में अगर 1/x, 1/y, 1/z नहीं होते तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व ही नहीं कराता क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में करा चुका। अब आपको क्या करना था, जो 1/x, 1/y, 1/z दिखाई दे रहे थे उनको आपने ए बी सी अज्यूम कर लिया और उससे पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब क्वेश्चन भाई एबीसी में बन गया तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी तो एबीसी में आएगा, तो a इक्वल टू डेल्टा 1/डेल्टा, b इक्वल टू डेल्टा 2/डेल्टा और c इक्वल टू क्या होगा डेल्टा 3/डेल्टा।
अब इनको आपने सोल्व किया, लेकिन आपको एक तो आपने अपनी तरफ से कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल लिया है ए बी सी टू, लेकिन आपको आंसर तो एक्स वाई जेड में फाइंड आउट करने हैं। तो आपने क्या किया, फ्रॉम वन वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए, आप देखो इस ए को डिनोमिनेटर में जो और इसको यहां पे भेज दो, क्या दिक्कत है, एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए, ऐसे ही वाई इक्वल टू वन अपॉन बी और जेड इक्वल टू वन अपॉन सी, वैसे भी ट्वेल्थ क्लास में आ गए, आपको ये स्टेप तो आना भी चाहिए। उसके बाद में आपने लिखा और ये इस तरीके से आपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। तो मैं बता दूं कि आपको अब मेरी तरफ से आपके क्रेमर रूल पर जो भी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको सब जो भी एग्जांपल है क्वेश्चंस है उन सभी को करना है।